Times Media. राज्यों के कलाकारों का हुआ जमावड़ा। भुवनेश्वर उड़ीसा के धौली आर्ट कॉलेज में 22 राज्यों के 150 कलाकारों का जमावड़ा और वहां उपस्थित कला मर्मज्ञ बने उनके साक्षी। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट मीडियम विजुअल परफॉर्मेंस एंड टेक की चर्चा में भागीदार रहे विभिन्न राज्यों से आए हुए 13 कलाकारों के साथ झारखंड के सरोज कुमार मिश्रा, सुदीप सिन्हा एवं डॉक्टर पीएन पांडे, मन भावन विषय के कारण कलाकारों में अद्भुत उत्साह था। प्राचीन काल, आधुनिक काल एवं समकाल से उदाहरण लेते हुए कला की लगभग सभी विधाओं की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बाहर से आए हुए कलाकारों के साथ ही चर्चा में उड़ीसा के स्थानीय कलाकार एवं धौली आर्ट कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं ने काफी उत्साहवर्धक तरीके से भाग लिया। बूंद बूंद बिंदु बनती रेखा देती दस्तक, फलक होकर आड़ी तिरछी बंद बिखर, घूम घूम आकृतियां फैर, अनुकृतियों की अभिव्यक्ति को दोहराए, अनुकृतियों की अभिव्यक्ति को दोहरा कर रंगों के दरिया को संग बहती, बूंद बूंद जुग बंदी रेखा देती दस्तक, गहरे हल्के उजले सारे रंग आज कैसे हैं न्यारे, इंद्रधनुष रचते हैं विस्मय, झरते और धरा पर बसे, आकारों के आधारों पर, आयामों के नियमानों पर, दिल के दृश्य चुरा लेते, रंग विदे को बूंद बूंद रेखा बनते, रंग विदे बूंद बूंद रेखा बनते। तो ये एक रंगों की यात्रा है, इट्स अ जर्नी ऑफ कलर्स। लेकिन इसमें देखिए आपका खूबसूरती है उसको, वो देखने का तरीका, आपका देखने का नजरिया क्या है, देखने का नजरिया आप किसी, जैसे हम लोग यहाँ आए थे, हमारे मित्र हैं यहाँ पे बेंगोल से, आपस में बातचीत की, दसवीं के ऊपर, दसवीं पर भी आप खूबसूरती को देख सकते हैं। उसका तरीका क्या है, वो कैसे अपने अंदर सारी चीजों को पैक कर लेता है, तो ब्यूटी हर चीज में है, बस उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और किस तरीके से कैनवस में कलर मीडियम या टेक्निक के माध्यम से हम उसको रखते हैं, यही हमारा वही इसमें स्ट्रॉक है। बस हमने काम किया है कि हमारे धम और हमारे मिश्र सुदीप सिन्हा दोनों का क्या बात है, तो कहते हैं कि हम अभी आज तक जो भी चर्चा करते हैं हम सुने और भी लोगों का, सभी लोगों का अच्छा है, लेकिन है कि आज क्रिएटिविटी हमको कुछ नया करना है जो हमारे पूरे सिस्टम में पहले से होते चला है, हम उसको लेके क्यों चले, आज हमारे सारे ट्रेंड को तोड़ने का समय आ गया, क्योंकि पहले क्या था कि बस कलर स्ट्रीक्स थे, ऑयल कलर जो नेचुरल कलर, बस इसके अलावा बस कुछ था नहीं, आज क्या है हर चीज है, एक एक डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से कलर टेक्निक मटेरियल है, तो क्या हम सारे ट्रेंड को तोड़ के कुछ अलग क्रिएटिविटी नहीं कर सकते क्या, तो हम उसको लेकर के और एक नया कुछ नया करें, क्योंकि आज जिस आप समय में चल रहे हो ये वेस्टर्न आर्ट के ऊपर भी हम सभी हावी है, इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट को लेकर देखिए तो अपना इंडियन आर्ट ज्यादा इंटरेस्टिव और ज्यादा उनके ऊपर फोकस डालते हैं, हम क्यों नहीं सारे जो सिस्टम को देखे जरूर,
लेकिन देखने के साथ हमारा कुछ ऑफलाइन नहीं होती क्या है? हम केवल एक खुद के चीज अभी क्या है, आप कभी देखो किसी बच्चे से मिलिए वो रेगुलर बुक को देख रहा स्टडी कर रहा है, देख रहा स्टडी कर रहा है, ये क्या इस, ये जो कैमरा है ना इसका लत इतना खराब है तो छोड़ेगा नहीं उसको। आपकी पूरा हिस्ट्री देखिए, जब भी कुछ नया है ना तो आप उसको करना देखना छोड़ दीजिए। एक किसान की खेती करता थोड़ा कुछ भी लगाता है वो क्यों वो 10 इंच 20 इंच वो क्यों वो निकालता है गड्ढा 1 फीट 2 फीट क्यों वैसा क्यों है? इसलिए जब तक उसको डैमेज नहीं करेंगे कुछ नया आएगा नहीं, जब तक विध्वंस नहीं करेंगे ना नया आविष्कार होना ही मुश्किल है। वो विध्वंस नहीं कर रहा वो उसका ड्रामा है, वो ड्रामा नहीं है, खेती करेगा ना उसको जमीन को विध्वंस नहीं करेंगे तो उसको आप उस मैसेज में देखिए ना किया तब तो आया तब तो नया आया ना वही, लेकिन इसमें भी आप कर नहीं रहे आप क्या उसको ढो रहे। हमारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट करके क्या उसको लेके चल रहे, क्यों लेके चल रहे भैया? आप उस सिस्टम को तोड़िए, हमको कुछ अपना पहचान बनाना है, हमारे जो भी आर्टिस्ट कलाकार हैं उनको कुछ अपना बनाना है, हम उसको लेके थोड़े चल सकते हैं। तो वहाँ पे वो हमारे स्टूडेंट लोग अपना मन काम दिखाए तो हंसने लगे, जो स्टूडेंट हंसे क्यों हंसने आया तो हम ये सब काम 5 साल पहले कर चुके हैं आप हमको बड़ो क्यों कर रहे हैं? आपको दिया हुआ भगवान आपको एक रिसोर्सेस दिए हुए, आप कुछ अपना चीज को पहचानिए, अपना सोच को निकालिए और जिस चीज में कुछ नया खोजेंगे जिस चीज से इसको जोड़ लेंगे उसमें ही नया आर्ट आएगा और हमें वही हमारा क्रिएटिविटी है। आंखों से देखते हैं और निर्णय लेते हैं, बौद्धिक वो होता है जो अपने बुद्धि और कौशल से निर्णय लेते हैं और आध्यात्मिक वो होता है जो दोनों तल से ऊपर उठ के जो शब्द आता है वो आध्यात्मिक आता है, इसमें भी सत्यम शिवम शूद्र सत्य ये शिव है शिव भी सुंदर ये तो ऊपर का बात है, लेकिन अभी हम लोग कहा है एंद्रिक सौंदर्य यानी कि जो हम आंखों से देखते हैं, जैसे कि इस पृथ्वी पर आप नेचर को देखिए प्रकृति को देखिए विराट सौंदर्य है। हम लोग जरूर सोचते हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर है लेकिन ताजमहल देखने में अच्छा लगता है उसको ले नहीं सकते, वही प्राकृतिक सौंदर्य है। सौंदर्य का बोध जो है हर वक्त हर समय होगा के ऊपर झारखंड में 24 है मैं स्टार्ट किया हूं जिसमें कि लोक कला के ऊपर शोध कर रहा हूं जिसमें कि हजारीबाग गुफा चित्र में मैंने देखा उस चित्र में जो सुंदरता है वो लाइनिंग है वो लाइनिंग पाषाण काल से भीतर है और इस तरह हम देखते हैं कि सौंदर्य की जो है प्रकाशा पहले भी थी आज भी है कल भी रहेगा। कलाकार है वो अपनी नेचर से लेते हैं उसमें भी सौंदर्य करते हैं, अगर वो कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें भाव लेखा लाइन टेक्सचर और जो कलर है उसमें भी सुंदरता है, यानी सुंदरता अब ये देख रहे हैं सुंदरता हमारी आंखों में उस टॉपिक में सोच यही है हमारे देखने की नजरिया है हम कैसे देखते हैं, तो उस गुलाब का फूल जो है उसमें सुंदरता है कि हमारे आंखों में ये हमें निर्णय लेना है। तो सौंदर्य है लोक कला में भी हम वही देखते हैं जो लोक कला में पारंपरिक कलाकार हैं जो सदियों से उनका जो वर्क करते आ रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि उनकी कला बनाते क्यों हैं, घर के ऊपर चित्र बनाते हैं स्ट्रगल करते हैं और काफी मतलब वो देखने में लगता है नहीं लेकिन वो उसमें भी सुंदरता नजर आती है, चाहे आप लोग का मिसाल ले लीजिए चाहे बिहार का मधुबनी ले लीजिए झारखंड का आपको बरन ले लीजिए, तो सुंदरता जो हर जगह है बस निर्णय लेना हमी को शब्दों में देखिए शब्दों में सुंदरता है कैसा शब्द रोग अच्छा लगे सुनने में, तो सौंदर्य का तो प्रकाशा का सोचना ही हर जगह। नमस्कार।
की वजह से मैंने आज तक अपना करियर जो मेरा बना है मुख्य केंद्र जो तो आर्ट के रहा है। मैं एक फैशन डिजाइनर रहा हूँ और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में काफ़ी काम किया है, सबका केंद्र जो तो आर्ट के रहा है। और ये सारा प्रेजेंटेशन का ही बहुत है, इधर वो फैशन डिजाइनिंग हो या वो जो ग्राफिक काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो सारा केंद्र बिंदु आर्ट ही होता है। और मेरा वो विजुअल था, मेरे अंदर वो आर्ट का जो गुण था उसकी वजह से ही मैं इन चीज़ों में आर्ट को इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। अब मैं एज अ क्रिएटिव एक्ट मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ काम करने के क्रम में मैं जो पा रहा हूँ कि एंड रिजल्ट जो मैं देता हूँ उसके इर्द गिर्द ब्यूटी ऑफ आर्ट ही होता है। जैसे हम आप लोग यूट्यूब देखते होते तो यूट्यूब आप बहुत सारा वीडियो पाते हैं एक स्क्रीन पर आप अट्रैक्ट होते हैं जिसका थंबनेल सबसे बढ़िया होता है, तो वो थंबनेल जो होता है 10 20 15 जो भी वीडियो देख रहे हैं उसकी जब सबसे सुंदर थंबनेल दिखता है आपको वही आप देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इसको क्लिक करो और इसको देखो। तो वो थंबनेल खूबसूरत बनाया गया कि उन 15-20 लोगों वीडियो के बीच में देख सकें, मैं उसी को इस चीज़ से जोड़कर देख रहा हूँ कि फाइनली वो जो खूबसूरत बन पाता है वही लोग देखना चाहते हैं। तो इस तरह से देखें तो आर्ट को के माध्यम से अलग अलग जैसे एक थंबनेल में आप देखते होंगे कुछ इमेज होता है कुछ टेक्स्ट होते हैं और एक भावना उत्पन्न की जाती है जिससे कि आप आज के दौर के हिसाब से बात कर रहे हैं, आज के दौर में जो चैनल चलता है जो ज़्यादा लोग देखना चाह रहे हैं उस हिसाब से देखते हैं तो उस ओर आकर्षित होते हैं। हमारा यही था कि टेक्स्ट और विजुअल और परफॉर्मेंस के थ्रू हम कैसे अपने आर्ट को ब्यूटीफुल बना करके प्रेजेंट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त अट्रैक्ट हो। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये बता रहा था, बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्कल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर कमलकांत मिश्रा एवं एनिमेट आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर आलेख चरण साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। कला के बहुत बड़े पारखी डॉक्टर आलेख चरण साहू ने सारे कलाकारों को सुन संक्षेप में उनकी अभिव्यक्ति को एनालिसिस किया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव तथ्यों को व्यक्त करते हुए अपना फाइनल एनालिसिस सबके समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त चर्चा में झारखंड से आए हुए कलाकारों की काफी सराहना मिली। कलाकारों ने वहां पहुंचने पर कॉलेज के छात्रों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तथा कॉलेज में छात्रों द्वारा बनाई गई मूर्तियों का अवलोकन करवाया गया। कॉलेज के हॉल में 150 कलाकारों की चित्रकारी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जिबिट किया गया था। कार्यक्रम की समाप्ति पर झारखंड से आए हुए कलाकारों को उड़ीसा के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री अशोक चंद्र पांडा ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। अंतिम दिन सीनियर व जूनियर सभी आर्टिस्टों ने पेंटिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया जिसका विषय था एक्सपीरियंस द ट्रेंडिंग्स ऑफ लाइन्स। ब्लैक पेन का उपयोग करके अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के क्रम में उपस्थित कलाकारों ने बहुत ही उत्साह के साथ खूबसूरती से ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए अपने अपनी कला को प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ जिसके मुख्य अतिथि मनोरंजन पानीग्रही प्रिंसिपल सेक्रेटरी उड़ीसा लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट उड़ीसा एवं पद्मश्री डॉक्टर सुदर्शन पटनायक उड़ीसा ललित कला अकादमी के प्रेसिडेंट भी उपस्थित थे।